हेलो बच्चों लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आउट ऑफ प्रिंसिपल एंगुलर मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर व्हिच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट साइज ऑफ द ऑर्बिटल स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कांसेप्ट हियर विल बी इट इज क्वांटम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इज शेप ऑफ दाइटल सो शेप ऑफ ऑरबाइटलता है इट इज एंगुलर क्वांटम नंबर सो इट इज एंगर क्वांटम नंबर एंड हम इसको किससे डिनोट करते हैं एल से डिनोट करते हैं सपोज जो एल है इसकी वैल्यू जीरो है अगर एल की वैल्यू जीरो है दैट मीन्स हमारा कौन सा ऑर्बिटल है इट इज एस एंड एस जो है एस और सॉरी एस सबशेल है एंड जो एस सबशेल एस है इसकी शेप क्या होती है इट इज स्फेरिकल तो हमें शेप किससे पता चली है इट इज एंगुलर क्वांटम नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कौन बताता है इट इज प्रिंसिपल सॉरी इट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कि कितने ऑर्बिटल्स हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको हम किस से डिनोट करते हैं इसको हम डिनोट करते हैं एम से सपोज एम की जो वैल्यू है वो लाई करती है माइनस वन टू प्लस वन अगर एल की वैल्यू कितनी है इट इज इज वन तो जो एम की वैल्यू है वो कितनी सॉरी uh, अगर एल की वैल्यू वन है तो एम की वैल्यू कितनी होगी इट इज फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल और अगर सो uh, so यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस वन टू प्लस वन दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल है माइनस वन जीरो एंड प्लस वन दैट मीन्स तीन और पॉसिबल है एंड उनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है माइनस वन जीरो एंड प्लस वन एंड जो पी होता है उसके लिए एल की वैल्यू जो पी सब शेल है उसके लिए वैल्यू कितनी होती है इट इज वन एंड उसमें कितने और होते हैं टोटल तीन और बाइटल होते हैं तो नंबर ऑफ कौन बताएगा इट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मूविंग ऑन टू थर्ड वन इट इज साइज ऑफ द ऑर्बिटल साइज कौन बताता है इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड हम इसको किससे डिनोट करते हैं एन से डिनोट करते हैं कितना बड़ा साइज है ऑर्बिटल का एंड सपोज एन की वैल्यू थ्री एस है डेट मीन्स वहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू है थ्री जितने ज्यादा ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे उतनी ही ज्यादा एन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी सपोज हमारे पास एक के ऑर्बिट है यहाँ पे एन की वैल्यू वन है एंड यहाँ पे एन की वैल्यू टू है तो साइज ऑफ ऑर्बिटल कौन बता रहा है इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पिन ओरिएंटेशन तो स्पिन ओरिएंटेशन कौन बताता है? इट स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था शेप नंबर ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन ओरिएंटेशन एनर्जी ऑफ द फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी ऑफ दिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन तो क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट एनर्जी ऑफ द फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें क्या गिवन है तो so स्टार्ट करते हैं हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है सो एनर्जी का फॉर्मूला होता है इट इज एच न्यू वेर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ दैट इज लेमडा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है इट इज सिक्स पॉइंट सिक्स सॉरी इट इज सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दाइनस थर्टी फोर हमें कितने तो से जब हम solve करेंगे कितनी आ जाएगी पार माइनस नाइनटीन जूल ये जूल में आ गया लेकिन हमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया है तो हम क्या करेंगे इसको फोर पॉइंट नाइन सेवन इंटू

एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। एच न्यू हमने फाइंड आउट किया अभी इट इस 3.1 एंड वर्क फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है इट इस 2.13 इट इस 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा इट विल बी 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है इट इज वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मास जो वैल्यू है इट इज जीरो पॉइंट नाइन सेवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमने अभी अभी सॉल्व की है इट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे जीरो पॉइंट नाइन सेवन इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू दाइनस नाइनटीन कन्वर्ट हो जाएगा इट इलेक्ट्रॉन हमें इट इज नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेज टू माइनस थर्टी वन के जी इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये जो वैल्यू आएगी इट इज जीरो पॉइंट नाइन सेवन

पर सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी आई होप यू अंडरस्टंड ऑल द बेस्ट